इस सरकार में मतलब जो है सबसे ज्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा महंगाई का आप ग्राफ देख लो, हमेशा इससे नीचे ही रहा हमेशा पेट्रोल, सबसे ज्यादा अब की बार हुआ है। तो जो बड़ी हुई महंगाई है, इसका क्या कारण की महंगाई हो रही है? महंगाई का तो ये जी साधन नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। पहले हम 100 रुपए का डलवाते थे, अब हमें वही 200 रुपए का डलाना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले पेट्रोल सस्ता था, अब उससे डबल रेट हो गया, 100 रुपए से भी ऊपर हो गया है, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा जी, बहुत दिक्कत हो रही है पेट्रोल की वजह से। बढ़ी हुई तेल की कीमत से आम आदमी की जेब पड़ रही है ढीली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फुट, मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के बाद अब कैपिटल दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के हो गई है पार। और जिस तरह से लगातार फ्यूल की कीमत में इजाफा हो रहा है और बढ़े हुए पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 100 रुपए 62 पैसे, तो वहीं डीजल की कीमत 89 रुपए 36 पैसे है। और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल की कीमत में इजाफा हो रहा है, आने वाले दिनों में ये चांसेस कमी है कि महंगाई पर सरकार किसी तरह से रोक लगा सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए चलते हैं इस सिलसिले में। हमने कुछ लोगों से बात किया है और जानते हैं उनका इस बारे में रिएक्शन। सैलरी तो कुछ नहीं बढ़ रही, बस जेब गीली होती जा रही है। और मोदी जी ने तक कमाल कर रखा है कि बस वैक्सीन फ्री बोल रहे हैं वैक्सीन के नाम पे, और पैसे तो हमारे से वसूला जा रहा है ना। ये जो अगर लेके चले पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इससे सारी चीज़ महंगी हो रही है। आप गैस ले लो, ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब महंगा हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मतलब बाइक में पेट्रोल जब डलवाते हो तो 100 रुपये में 1 लीटर भी नहीं आ रहा, यही है बाकी तो ठीक है। डेली का पेट्रोल लग जाता है, कमाई भी नहीं हो पा रही है आजकल, काम धंधे तो रहे नहीं बिल्कुल भी। पहले मैं एक हफ्ते में 500 तेल डलवाता था और पूरा एक हफ्ता चलता था मेरा तेल, अब मैं पूरा एक हफ्ते में मेरा 1000 रुपये तेल डलता है। अब इतनी महंगाई हो गई, क्या खाएंगे, क्या जोड़ेंगे और क्या कमा के अपने बच्चों को खिलाएंगे। 2 मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, ठीक है, और अब कुछ भी नहीं बचता, मतलब तनख्वाह में 14 तनख्वाह मिलती है, कुछ भी नहीं बचता तनख्वाह में, जब तुम्हारी इतनी महंगाई हुई है तेल के बारे में। अब 105 मिनट तेल हो रहा है, कहाँ से डलवाएंगे हम? की जनता पिस रही है, उनको अपना फ़ायदा चाहिए, इन्होंने डीए रोक दिया लोगों का, अपने नहीं है, इन्होंने 3 बार डीए बढ़ा लिया सरकार ने, अपने राजनेताओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा फायदे दे दिए। गरीब आदमी के लिए क्या किया है सरकार ने? गरीब आदमी के लिए तो कुछ नहीं किया, देश प्रेम से खाली देश नहीं चलता है, राजनीति के अंदर ये देश प्रेम कर करके राजनीति को अपने आगे लेके जा रहे हैं। क्या देश प्रेम रोटी दे देगा आदमी को? ऐसा नहीं होता है, देश पहले है, आम आदमी पहले है, सत्ता में बैठने के लिए मजदूर को देखना बहुत ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा। पेट्रोल का दाम तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से मुश्किल तो आई है, और गवर्नमेंट को पेट्रोल का रेट थोड़ा कम करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रेट है। और जो ये टैक्स वसूलती है 55 रुपये, जो गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको दोनों को कम करना चाहिए। पेट्रोल के दाम जो इतने बढ़ रहे हैं सर, बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम पर, तो मजदूरी भी आज भी बिल्कुल रो रहा है, एक एक पैसे के लिए रो रहा है भाई साहब। पेट्रोल रोज 100 रुपये 150 रुपये का पेट्रोल लगता है, और दिहाड़ी बढ़ के आ गई नहीं, हम लोग परेशान हैं, मजदूर आदमी हैं, गवर्नमेंट अगर ऐसे बढ़ाती है तो बस वो मजदूर तो गया काम से। बहुत बुरा हाल है जी, हर आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया पेट्रोल के चलते, क्योंकि पेट्रोल तो छोटी आम आदमी के लिए 100 रुपये 100 से ऊपर ही हो गया, अब तो बहुत ही दिक्कत हो रही होगी, हमारे को तो बहुत परेशानी हो रही है, ना जाएं तो दिक्कत, अब गाड़ी से जाएंगे तो भी दिक्कत है, पेट्रोल डलवाते हैं अभी 100 रुपये का डलवाया 200 रुपये का डलवाया, शाम तक नक्की हो जाएगा। इस सरकार में मतलब जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई का आप ग्राफ देख लो, हमेशा इससे नीचे ही रहा हमेशा पेट्रोल, सबसे ज़्यादा अब की बार हुआ। सरकार से उम्मीद ये थी कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल आएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं था, ये तो 101 चला गया, 102 चला गया। सरकार से यही दरख्वास्त है कि पेट्रोल के दाम कम से कम किए जाएं, ताकि आम आदमी का जीना ठीक हो सके। मेरा नाम भूषण शर्मा है, और पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, पहले हम 100 रुपये का डलवाते थे, अब हमें वही 200 रुपये का डलाना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पहले पेट्रोल सस्ता था, अब उससे डबल रेट हो गया, 100 रुपये से भी ऊपर हो गया है। दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा जी, बहुत दिक्कत हो रही है पेट्रोल की वजह से। तो क्या मीडियम वर्ग को बिल्कुल ही पीस किया, उसके लिए क्या करती है सरकार, जिनसे टैक्स लेती है हर समय और उनको कहीं किसी चीज़ की फैसिलिटी है, सड़क उसके लिए अच्छी नहीं है, बिजली की सुविधा उसको नहीं है, पानी की उसको नहीं है, अगर कहीं रेस्टोरेंट पर खाना चला जाए टैक्स उससे चाहिए, जब हर चीज़ में दोबारा ही टैक्स देना, तो फिर GST का मतलब क्या रहा? या तो जी 100 रुपये थोड़ा ज़्यादा है सर, नाजायज़ है, ज़्यादा नहीं है, नाजायज़ है। ये लोकसभा बना रहे हैं जो बन रही है, इनके पास उसके लिए पैसा है, गरीब आदमी के लिए पैसा नहीं है, मल्टी करोड़ रुपया ये उसमें खर्च कर रहे हैं सिर्फ नाम के लिए। अभी इन्होंने इंडिया गेट के ऊपर और नया निर्माण किया है, जिसकी आवश्यकता क्या थी, उसकी कोई आवश्यकता थी? ऑलरेडी पहले भी तो चल रहा था, और भी सरकारें थी जो इस काम को करती रही, मल्टी करोड़ रुपया, अरबों करोड़ रुपया ये उन चीज़ों के ऊपर खर्च करें, क्या गरीब के बारे में सोचा इन्होंने कभी? तेल के बारे में सोचा है, खाद्यान्न तेल जो 85 रुपये लीटर बिका करता था आज 180 रुपये लीटर बिक रहा है, कभी सोचा इन्होंने? जो गेहूँ मैंने 75 पैसे 50 पैसे गेहूँ खरीदा है, आज की डेट के अंदर 40 रुपये किलो बिक रहा है, क्या गवर्नमेंट ने सोचा इसके बारे में? किसी के बारे में नहीं सोचा, गवर्नमेंट अपने बारे में सोच रही है, अडानी और उनके बारे में सोच रही है, गरीब आदमी के बारे में नहीं सोच रही गवर्नमेंट। ये देखिए, बढ़ी हुई महंगाई से आम आदमी की जेब हो रही है लगातार ढीली, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, और लगातार पिछले 2 महीनों की बात करें तो 2 महीने के अंदर 35 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार ने किया है इजाफा, इससे आम आदमी की जेब ढीली पड़ गई है। लगातार महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन क्या उनकी सैलरी और आमदनी में इजाफा हो रहा है? फिलहाल सरकार किसी भी तरह से महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन विशाल वैभव के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़वुड। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।